हमारे साथ हैं सीपीएम पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात जी, रांची आई हुई हैं और इनसे कुछ सवाल बनते हैं। खासकर अभी राष्ट्रपति चुनाव जो है वो प्रक्रियाधीन है और एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना कैंडिडेट बनाया है, लेकिन दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार बने हैं। सवाल ये है कि एक तरफ वाम दल, खासकर मैं सीपीएम की बात करूं, तो ये गरीब गुरबों पिछड़ों आदिवासी शोषित की बात करते हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को जब प्रत्याशी बनाया गया तो सीपीएम का स्टैंड यशवंत सिन्हा के साथ रहा। मैम, आप हमेशा आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासियत की, गरीबी की बात करते हैं, एक पहली बार आज़ादी के बाद किसी आदिवासी समाज की महिला को कैंडिडेट बनाया गया, आप विरोध क्यों कर रही हैं उनका? द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो एक व्यक्ति है, एक महिला है, आदिवासी है, उनकी अपनी राजनीतिक जिंदगी रही है, उन्होंने काम किया। यहाँ रांची में जब गवर्नर भी थी तो उनके साथ कई बार मुलाकात हुई, तो ये द्रौपदी मुर्मू का विरोध नहीं है, ये विरोध है राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिक्स को सामने रखकर पॉलिटिकल संघर्ष के रूप में आज दो पक्ष खड़े हैं। एक पक्ष संविधान की पक्ष है, जो विपक्ष है। यही एक मतलब विडंबना की बात है हमारे देश में कि संविधान की पक्ष वाले जो खेमा है वो विपक्ष है, और संविधान की विपक्ष वाला जो खेमा है वो सरकारी पक्ष है। तो अभी ये व्यक्तियों की लड़ाई कतई नहीं है, ये लड़ाई है सिद्धांतों की, संविधान की, जनवादी प्रणाली को बचाने की। और ये संघर्ष भी है कि मोदी सरकार और उनका जो आरएसएस का जो पूरा फौज है, जो हर इंस्टीट्यूशन को अपना मोहर के रूप में बनाने का प्रयास है, उसके विरोध में है। और द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में विपक्ष की कोई भी पार्टी ऐसे नहीं है, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो व्यक्तिगत रूप में किसी प्रकार की टिप्पणी कर रही है, और मैं तो सवाल ही पैदा नहीं हूँ। मैम, ये तो कंसेंसस बनाने की भी बात हुई थी जब उनके नाम की घोषणा हुई थी एनडीए उम्मीदवार के रूप में, तो ये बात हुई थी कि एक आदिवासी समाज से एक महिला को हमने सामने लाया। आप कह रही कि ये राजनीति, एनडीए इस आड़ में राजनीति कर रही है, आप संविधान का हवाला दे रही हैं। द्रौपदी मुर्मू खुद अपील कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि एक शोषित, एक गरीब, एक पिछड़ा समाज से एक महिला को मौका मिला है तो आप साथ दीजिए, लेकिन आप यहाँ पे संविधान की बात करने लग रही हैं, ऐसा क्यों? यहाँ जब पहला एक मौका मिल रहा है और कंसेंसस की बात हो रही है, आप उनको एडमायर भी कर रही हैं, फिर भी आप, ये कौन सी लड़ाई है, किस बात को लेकर? चूंकि क्या बीजेपी का विरोध करना है इसलिए किया जा रहा है इसको? मान लो मैं आपको जोर से सिर पर मारूं और फिर मैं आपको कहूं कंसेंसस कर लेते हैं, ये कोई बात हुई? पूरा संविधान की धज्जियां उड़ाए रहे हैं, पार्लियामेंट को समाप्त कर रहे हैं, हर इंस्टीट्यूशन को ये लोग समाप्त कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं सब जगह, शिक्षा नीति को भी। हमारे भगत सिंह जैसे, फुले जैसे, हमारे जो वीर हैं, नारायण गुरु जैसे, सोशल जस्टिस के जो प्रतीक है, उनके नाम हटा रहे टेक्स्ट बुक्स के, और अब बोल रहे कंसेंसस। जब विपक्ष ने अपना घोषित कर लिया हमारा कैंडिडेट, तब इनको याद आया कंसेंसस। ये कभी कंसेंसस वाली पॉलिटिक्स में विश्वास करते नहीं हैं, न कानून में विश्वास करते हैं। किसानों के ऊपर कानून लागू कर लिया, बाद में किसानों को कहा कंसेंसस पे आ जाइए। अभी आदिवासियों की जमीन का, फॉरेस्ट राइट्स का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का पूरा समाप्त कर लिया, अब हमसे कह रहे कंसेंसस पे आइए। आप अर्जुन मुंडा जी से पूछिए, उनसे कंसेंसस लिया जब ये नए कानून लाए?
अर्जुन मुंडा झारखंड के बड़े माने हुए नेता है, आदिवासी के है या नहीं है? उनका मंत्रालय का सर्कुलर मेरे पास है 2019 जनवरी का, उन्होंने पूरा विरोध किया आदिवासी के नाम, मटिया मेट कर लिया उनका जो विरोध था, तवज्जा नहीं दी। और आज वो कह रहे कंसेंसस, भाई साहब उनके साथ कंसेंसस की जाती है जो कुछ असूल मानते हैं, कुछ सिद्धांत मानते हैं, कुछ कम से कम जड़वाद मानते हैं, संविधान को मानते हैं, जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और आज कंसेंसस की बात करते हैं, ये पूरे देश को बर्बादी के रास्ते लेकर जा रहे हैं। मैम चलिए ठीक है, आप कह रही हैं कि कंसेंसस की बात इस नाम पे हो रही है, उसके पीछे की एक राजनीति है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जनता ने चुनकर प्रधानमंत्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी को मेन स्ट्रीम में लाया, आज कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उसका दायरा बढ़ रहा है, तो ये तो लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनकर आ रहे हैं। और आप जो बात करते हैं, जिस आइडियोलॉजी की बात करते हैं, क्या नहीं लगता कि आपको अपने आइडियोलॉजी की समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि आप हाशिए पर जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में जनता ने चुन के दिया, बीजेपी ने पैसे के बल पर सरकार को समाप्त कर लिया। झारखंड में जनता ने हेमंत सोरेन सरकार को बनाया, रोज बीजेपी की साजिश है हम कैसे किसको खरीदे। आज गोवा में कांग्रेस को तोड़ने के लिए कितना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में करोड़ों 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 रुपया खर्च करके पूरा हाईजैक कर लिया संविधान का और जनवाद का। तो जो जनवाद की वोट को नहीं मानते हैं, आप कहते चुन के आए हैं, चुन के आए हैं एक मुद्दे पर, चुनने के बाद अगर वो संविधान को समाप्त करना चाहते तो क्या हम हिंदुस्तान के नागरिक चुप बैठेंगे? आपने वोट दिया, आपका वोट का अगर दुरुपयोग होकर वो वही नीति अपनाएंगे जो आप उसका विरोध करते तो आप चुप रहेंगे? तो इसलिए मैं कहती हूँ हिंदुस्तान की जनता वोट दिया है, वोट दिया है इसलिए नहीं कि संविधान समाप्त करके आप अपने मन मर्जी चलाइए, ये नहीं होगा हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान जनवाद के लिए लड़ी है और लड़ेगी। और इसलिए आपने कहा मैम कि कई राज्यों में जोर जबरदस्ती से खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाई गई, बिगाड़ी गई। झारखंड में हेमंत जी की सरकार चल रही है, आप कह रही हैं कि इस सरकार को भी अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। मैं कह रही हूँ वैसे तो अभी तो सामने नहीं आ रही है ऐसे कोई बात, लेकिन जो तौर तरीका है किसी सरकार को गिराने के, मेरा पॉइंट है कि ये लोग जनमत को दुरुपयोग करते हैं और पैसे के बल पर खरीद फरोख्त की जो नीति है हिंदुस्तान में इसको बहुत आगे छलांग लगाकर लेकर जा रहे हैं। मेरा पॉइंट है ये किसी के लिए, देखिए आपकी पॉलिटिक्स आरएसएस की पॉलिटिक्स हो ही सकती है, आपके सवाल मेरे खिलाफ जम के हो सकते, ये आपका काम है पत्रकारी। अगर आपके सवाल पर मैं रिएक्ट करूं और बोलूं कि भाई आप तो बीजेपी के ही भाषा बोल रहे हैं, ये तो मेरी गलती होगी, मैं कभी भी ऐसे आरोप नहीं लगा सकती हूँ आपके ऊपर। आपकी अलग पॉलिटिक्स है या नहीं है, मेरी अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन कुछ चीज़ें हिंदुस्तान में हैं जो हिंदुस्तान को आगे ले जाने का निश्चित करता है, और एक है संविधान, एक है जनवादी प्रणाली, एक है फ्रीडम टू स्पीक। आप मेरे फ्रीडम टू स्पीक को बिल्कुल मेरा मुंह बंद कर लेंगे और आप जो मर्जी बोलेंगे, आपको पुलिस का रक्षा दिया जाएगा और मुझे जो है बिगैर मतलब का जेल में भेज देंगे, तो ये भी नहीं होता। लेकिन आप देखिए लेफ्ट की बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, चलो आप नीचे तो की बातें, आप गरीबों की बातें करती हैं, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि आप खुद सिमटते जा रहे हैं? वाम दल क्यों सिमटते जा रहे हैं? ये बहुत प्रासंगिक सवाल है, क्योंकि संसदीय पॉलिटिक्स में आज जो संसदीय पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है, वाकई में
हमारे जैसे दल जो गरीबों की प्रतिनिधि करते, ये सही है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं इसको मुंह नज़र नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक है 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया या जितना भी अभी पार्लियामेंट के लिए या हमारे विधानसभा के लिए करना पड़ता है। हमारे लिए जब हम देखते हैं चुनाव में करोड़ों हजारों करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड बन गया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में कौन बड़ा पूंजीपति के कौन पार्टी को दे रहा वो सब छिपा हुआ है, किसी को पता नहीं क्या लेन देन हो रहा है। तो ये बात आपकी सही है कि संसदीय पॉलिटिक्स में हम लोग पिछड़ गए और नेचुरली हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त चुनौती है कि इतने अनइवन प्लेइंग फील्ड में हम अपने को कैसे बढ़ाएं। ये एक चुनौती है हमारे लिए। क्या एक प्लेटफॉर्म पर वाम दल तमाम वाम दल लेकिन हमारी पॉलिटिक्स में ना केवल वोट इम्पोर्टेंट है, लेकिन केवल वोट नहीं है जैसे दूसरे दलों का। आप देखें इस देश में पिछले 10, 15, 20, 50 साल, लेकिन आप इसी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, क्या एक भी मुद्दा है जिसमें जन आक्रोश, जनता का संघर्ष जो होना चाहिए उसमें क्या हमारे वामपंथी, हमारे लाल झंडा का नेतृत्व रहा या नहीं रहा? कोई भी मुद्दा हो, आपका ही पत्र, आप मीडिया का ही लीजिए, आपकी डिमांड्स की कौन लड़ रहा है? लेफ्ट के अलावा कोई लड़ रहा है? तो मजदूर हो, किसान हो, तो आम जनता में हमारे जो वर्चस्व, वर्चस्व शब्द ठीक नहीं है, हमारी जो हस्तक्षेप है वो बढ़ रहा है। लेकिन कैसे हम इसको ट्रांसलेट करें वोट में, ये प्रॉब्लम तो है। मैम एक सवाल, आप चूंकि हेमंत सोरेन सरकार को एक तरीके से समर्थन करती हैं, आप नहीं, मैं मुद्दे आधारित, मैं सरकार को नहीं, मुद्दों आधारित मेरा समर्थन, अगर मुद्दा सही है हमारा समर्थन है। ये सरकार कैसा काम कर रही है? ये सरकार इतने, मतलब 2.5 साल से ज्यादा हो गए, ये काम कैसा कर रही है? देखिए डिसअपॉइंटिंग है जो हमारे लोग, आज जो हमारी 2 दिन की मीटिंग हुई है ना, उसमें हमारे कॉमेडो ने जो रिपोर्टिंग की बहुत सारे मुद्दे पर, ये मतलब पीछे जा रहे, डिसअपॉइंटिंग है। जनता की जो ज़रूरतें हैं उस पर न ध्यान देकर ये सब जो इनका सेंटर का जो पूरा ज़बरदस्त हमला है उसके खिलाफ कैसे सबको लेकर संघर्ष करना चाहिए, इसमें ये पिछड़ रहे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि केंद्र के दबाव में हैं तमाम क्षेत्रीय पार्टियाँ? सब तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है आर्थिक रूप में जो संकट पैदा हो रहा है प्रदेशों की वित्त स्थिति में, एक दबाव तो है। और दूसरी बात है ईडी, सीबीआई, फलाना ढिमका, इसका भी कई लोगों के ऊपर दबाव है। एक लास्ट सवाल मैम, कि एक तरफ आप ममता बनर्जी सामने आती हैं, एक ओपोजिशन को यूनाइट करने के लिए दिखती हैं, लेकिन आपका जो तालमेल है ममता बनर्जी के साथ नहीं बन पाता है, आप अलग रास्ते पे निकल जाती हैं, विपक्ष की एकजुटता आमतौर पर नहीं दिखती, राष्ट्रपति के चुनाव में ही विपक्ष दिख रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा कर दी उनको समर्थन देने की, तो विपक्ष एकजुट तो हो ही नहीं पा रहा है, आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए लड़ाई जनता के मुद्दे पर लड़ी जाती है और हर पार्टी के अपने अपने प्रोग्राम हैं। अब ममता जी बंगाल के अंदर कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी जो उन्होंने 10 साल सरकार चलाई है और आज भी उससे इधर उधर भी शिफ्ट भी नहीं कर रही है, और भ्रष्टाचार के प्रति या जो वहाँ पूरा बंगाल की दमनकारी नीति के प्रति या ये तमाम जो अलग अलग गलत जो लॉ एंड ऑर्डर के जो तमाम मुद्दे हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहा है, गरीबों के ऊपर अभी वो सब लीपापोती करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो नेचुरली हम तो बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। हमारी पार्टी के अपने कार्यक्रम है, अपनी पोजीशन है जिसके आधार पर हम करते हैं, लेकिन कभी भी लेफ्ट किसी बात पर जहां हमें दिख रहा है कि एक और बड़ा मुद्दा सामने है देश के लिए,
हमने कभी कोई संकीर्ण नीति नहीं अपनाई, ये जानते हुए भी कि ये कहाँ तक जा सकेंगे नहीं सकेंगे, लेकिन फिर भी लेफ्ट कभी भी बाधा नहीं बनी है, नेवर। आप एक भी मिसाल दीजिए जहाँ लेफ्ट किसी भी यूनाइटेड संघर्ष में बाधा बनी, नहीं, लेकिन असूल और सिद्धांत के ऊपर। लेकिन आत्ममंथन करने की जरूरत है लेफ्ट को, अब आप ऐसा मान रही हैं कि आप लोगों के को तौर तरीका बदलना पड़ेगा या यूनाइट होना पड़ेगा तमाम वाम दलों को? देखिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, कह रही हूँ तौर तरीका हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन जो तौर तरीका संसदीय पॉलिटिक्स की पैसे के बल पर है उस पर हम नहीं समझौता कर सकते, लेकिन उस चुनौती को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं और भी जनता के बीच जाकर और भी मजबूती के साथ कर, वो हमें ज़रूर करना है। जहाँ तक लेफ्ट यूनिटी का सवाल है, निश्चित रूप से हम उसके पक्ष के हैं, लेकिन लेफ्ट के अंदर भी अभी हाल में आपने देखा ये मांडर के चुनाव में जहाँ CPM का एक बेस्ट कैंडिडेट सुभाष मुंडा खड़े थे, 14,000 वोट पे हम लाए हैं, दो हफ्ते की तैयारी में वहाँ हमने अपील की लेफ्ट पार्टीज को, वहाँ बंधु तिर्की की जो बेटी वहाँ खड़ी थी कांग्रेस के कैंडिडेट, वो एक भ्रष्टाचार के रूप में उसको हटाया गया। अब भ्रष्टाचार के रूप में जब हटाया गया तो नेचुरली लेफ्ट का विकल्प चाहिए, उसमें माले के MLA ने जाकर हमारे वहाँ कॉमरेड के खिलाफ वहाँ भाषण दिया, तो ये सब चीज़ें तो माले को देखना पड़ेगा। हम इन चीज़ों पर कोई लीपा पोती नहीं करते हैं, जो सच है उस सच को हम बोलते हैं, और लेफ्ट यूनिटी की हम पक्ष में हैं, और तमाम लेफ्ट पार्टीज को इकट्ठा करने का हमारा पूरे तौर पर प्रयास है, सबको उसी प्रकार करना है। राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत सकारात्मक बात है कि CPI और ML और सबके साथ हम लोग एक मंच बनाकर आगे बढ़ने का अलग अलग तरीके हम लोग अपना रहे हैं, ये एक सकारात्मक चीज़ है। ऐसे मामले में जो हमने झारखंड में देखा, यहाँ की जो दल है वाम दल, उनको आपस में बैठकर इन चीज़ों को निश्चित रूप पर वो बहस होगी, उस पर सबकी अपनी राय देंगे और उसका हल भी निकलेगा। वृंदा करात जी, पोलित ब्यूरो सदस्य CPM, आप लेफ्ट की जो स्थिति है और क्यों चिंताजनक बनी हुई है इस पर भी इन्होंने कहा, लेकिन सबसे अहम जो सवाल हमारा इस बात पर था जो द्रौपदी मुर्मू को लेकर था, बतौर कैंडिडेट, बतौर एक आदिवासी समाज की महिला के नाते उनके प्रति वाम दल की हैसियत से इनकी एक सहानुभूति है, उनको लेकर कोई सवाल नहीं है। ये जो बात हो रही है कि एक आदिवासी समाज की महिला को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, इस पर इनका स्पष्ट तर्क है कि लड़ाई संविधान के लिए हो रही है, देश के सर्वोच्च पद के लिए हो रही है, और इनका कहना है कि भाजपा इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जनता को तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत। राजेश कुमार सिंह, ETV भारत, रांची।